तो दोस्तों, मैं युवराज पोडेल। तो आज मैं बताने जा रहा हूँ बॉयलर इंटरनल पार्ट्स से बॉयलर फर्नेस के अंदर में क्या क्या चीज़ लगता है, इसके बारे में मैं आज कुछ बात बताने वाला हूँ। जैसे वो दिखाई दे रहा है, इसको बेट कोयल बोलते हैं, बेट कोयल या इवेपोरेटर बोलते हैं इसको। यहाँ पर क्या होता है, वाटर का इवेपोरेशन होता है, यहाँ से वाटर इवेपोरेशन होना चालू होता है, यहाँ से वाटर इवेपोरेशन होता है बेट कोयल से। और जो दीवार का इस साइड में जो दिखाई दे रहा है, दीवार में दो साइड में, ये है सेकेंडरी एयर नोजल। सेकेंडरी एयर नोजल इसीलिए लगाते हैं, अगर सेकेंडरी एयर का काम ये रहता है कि अगर कोल में ज़्यादा फाइन्स पार्ट्स आएगा या ज़्यादा फाइन्स आएगा तो उसको क्या करेगा, ऊपर उड़ना नहीं देगा, ये एयर के माध्यम से दबा के रखेगा। जो कि अफ्रीका डिस्चार्ज से कनेक्ट रहता है, इसमें भी हॉट एयर आता है, गर्म हवा, जिससे क्या करेगा, कम्बसन में, सेकेंडरी कम्बसन है ये, अच्छा से कोल कम्बसन में ये मदद करेगा। अपना कोल में जितना भी फाइन्स आता है, फाइन्स को क्या करेगा, ऊपर उड़ना नहीं देगा, ये क्या करेगा, दोनों साइड से एयर मारेगा, एयर का प्रेशराइज से फाइन को नीचे की तरफ दबा के क्या करेगा, बढ़िया से इसको कम्बसन करेगा कोल को। सेकेंडरी कम्बसन या सेकेंडरी एयर बोलते हैं इसको। जब भी हम लोग सेकेंडरी एयर कब खोलते हैं, जब मेरा ये फर्नेस टेम्परेचर हाई होता है या फर्नेस में फाइन्स कोल में फाइन्स ज़्यादा आता है, तो उस टाइम हम क्या करते हैं, सेकेंडरी को ओपन करके रखते हैं, नहीं तो नॉर्मल टाइम में सेकेंडरी बंद ही रहता है। और जो ऊपर जो दिखाई दे रहा है इस साइड में, इसको बोलते हैं वाटर वाल। जो वाटर वाल है, वाटर वाल से पानी कहाँ जाएगा, वाटर वाल से पानी ऊपर से होते होते स्टीम ड्रम में जाएगा। जो अपना वाटर वाल में पानी जा रहा है, यहाँ पर क्या होगा, वाटर का, और यहाँ भी इवोपरेशन ही होगा। जो पानी यहाँ आ रहा था वो क्या होगा, यहाँ से इवोपरेट चालू होगा, उसके बाद इवोपरेशन होने के बाद वाटर का डेंसिटी कम होगा, बाष्पीकरण होगा, वो स्टीम बनना चालू करेगा, तो स्टीम का डेंसिटी कम रहता है, वो नीचे से ऊपर की तरफ इसका सर्कुलेशन होता है। और जो हैंगिंग फॉर्म में दिखाई दे रहा है, ये सुपर हीटर है, ये प्राइमरी सुपर हीटर है, प्राइमरी सुपर हीटर है। उसके बाद उधर पीछे साइड में दिखाई देंगे तो इसका पीछे में सेकेंडरी सुपर हीटर लगा है। पानी क्या होता है, पानी स्टीम ड्रम से डाउन कमर में आएगा, डाउन कमर होते ही पानी इसमें हेडर लगा है, हेडर में आएगा, और हेडर होते होते फिर अपना बेट कॉइल में आएगा, जिसको बेट कॉइल को इवेपोरेटर भी बोलते हैं। बेट कॉइल में आएगा, बेट कॉइल से पानी वाटर वाल, वाटर वाल से स्टीम ड्रम, फिर स्टीम ड्रम के बाद है, स्टीम ड्रम के बाद जाएगा ऊपर जो दिखाई दे रहा है प्राइमरी सुपर हीटर में। प्राइमरी सुपर हीटर से क्या होगा, स्टीम सुपर हीट होगा, उसके बाद फिर जाएगा इसका पीछे साइड में देखेंगे सेकेंडरी सुपर हीटर में जाएगा। सेकेंडरी सुपर हीटर में क्या होगा, मेरा जितना टर्बाइन के लिए डिजाइनिंग स्टीम का टेम्परेचर चाहिए था, उतना टेम्परेचर मेरा सेकेंडरी सुपर हीटर में सुपर हीट होता है, और जो हीटेड टेम्परेचर है फिर सेकेंडरी सुपर हीटर से आउट होकर स्टीम लाइन के माध्यम से टर्बाइन में इन होता है। ये अपना फर्नेस था। अगर इसका नीचे देखेंगे, इसके नीचे नोजल लगता है, बेड नोजल, बबल्स नोजल लगता है, और अपना कोल नोजल लगता है। जो बेड नोजल रहता है वो क्या करेगा, बेड को फुल डाइजेशन करेगा, जिसमें एफटी का एयर रहता है, और बेड मटेरियल को फुल डाइजेशन करेगा वो, और अपना कोल को भी अच्छा से क्या करेगा, एयर देके जलने में मदद करेगा। जो अपना कोल नोजल लगता है, कोल नोजल क्या करेगा, अपना पीए लाइन का माध्यम से कोल अपना फर्नेस में या अपना कंपार्टमेंट तक लेके आएगा, और कंपार्टमेंट में क्या करेगा, कोल और अच्छा से कंपार्टमेंट तक ले आके जलाएगा। जैसे कोल आएगा कोल नोजल से, और अपना बेड नोजल से क्या हो रहा था, बबल्स नोजल से अपना बेड फुल डाइजेशन हो रहा था, वो एयर देगा। जलने के लिए क्या चाहिए, एयर का भी जरूरत होता है, एयर फ्यूल दोनों मिक्स हो गए, क्या करेगा, बेड जलेगा, अच्छे से कम्बसन होगा। दोस्तों, जो बॉयलर का बेड कॉइल में पानी जा रहा था, या बॉयलर का एवेपोरेटर में जो पानी जा रहा था, वो आएगा अपना बॉयलर में, जो इसका टॉप में दिया है स्टीम ड्रम में, मड ड्रम ही दिया है, मड ड्रम में ड्रम का पानी मड ड्रम आएगा, मड ड्रम से फिर जो पानी जा रहा है, मड ड्रम का पानी डाउन कमर का थ्रू एक लाइन दिया है इसका बॉयलर बैंक में दिया है। बॉयलर बैंक में क्या होगा, वो वाटर को और हीट होगा, ये वाला लाइन से डाउन कमर है, डाउन कमर के लिए भी दो लाइन गया है, एक गया है ड्रम का जो रिंग हीटर दिया है, बॉटम रिंग हीटर, बॉटम रिंग हीटर में जाके दोनों लाइन ये कनेक्ट है। जो बॉटम रिंग हीटर में पानी जाएगा, ये बॉटम रिंग हीटर का पानी जाएगा आपका बॉयलर का बॉटम वाला बॉयलर बेड कॉइल में, या बॉटम वाला इवेपोरेटर में पानी जाएगा, बॉटम वाला इवेपोरेटर में पानी जाएगा। उसका जो टॉप वाला बेड कॉइल जो दिखाई दे रहा था फर्नेस से, ये वाला टॉप वाला बेड कॉइल से पानी जाएगा फिर
टॉप रिंग हेडर में आएगा, ये जो बाहर दिखाई दे रहा है रिंग हेडर है, ये रिंग हेडर से पानी फिर ऊपर में जाएगा। ये पानी क्या होगा, बेड कॉइल में अच्छा से इवेपोरेशन होगा, उसके बाद ऊपर से किसमें कनेक्टेड, टॉप वाला रिंग हेडर से जाएगा वाटर वाल में, वाटर वाल में पानी जाएगा। वाटर वाल में क्या होगा, पानी अच्छा से इवेपोरेशन होगा, वाटर वाल होते ही जो पानी जा रहा है स्टीम ड्रम में जाएगा। ये जो टॉप वाला है, टॉप वाला बेड कॉइल का रिंग हेडर है, बॉटम वाला रिंग हेडर से क्या होगा, डाउन कमर का पानी बॉयलर में घुसेगा या फर्नेस में घुसेगा, बॉटम में बेड में घुसेगा, बेड कॉइल में। बेड कॉइल से पानी कहाँ क्या होगा, टॉप वाला बेड कॉइल से फिर टॉप वाला रिंग हेडर में आएगा, इवेपोरेशन हो गया। टॉप वाला रिंग हेडर से स्टीम पानी दोनों मिक्स होकर कहाँ आएगा, वाटर वाल में जाएगा, वाटर वाल में जाएगा। वाटर वाल में क्या होगा, वाटर का इवेपोरेशन अच्छा से होगा। वाटर का इवेपोरेशन होने के बाद जो वाटर है वो स्टीम ड्रम में जाएगा, स्टीम ड्रम में वाटर और स्टीम दोनों फॉर्म में वो स्टीम बन के इवेपोरेट स्टीम स्टीम ड्रम में जाएगा। स्टीम ड्रम में जैसे जाएगा, स्टीम ड्रम में जाने के बाद स्टीम आएगा अपना प्राइमरी सुपर हीटर में, प्राइमरी सुपर हीटर से फिर वो स्टीम जाएगा सेकेंडरी सुपर हीटर में। प्राइमरी और सेकेंडरी सुपर हीटर के बीच में अटेम्परेटर रहता है जो अपना टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए। उसके बाद सेकेंडरी सुपर हीटर से स्टीम टर्बाइन के डिजाइनिंग के बराबर सुपर हीट होकर स्टीम का टेम्परेचर बनने का उतना, उसके बाद वो टर्बाइन में इन होगा।